है यहाँ जो भी आता है कृष्ण के प्रेम में सराबोर होके जाता है, राधा रानी का आशीर्वाद लेके जाता है। आप सबको भी राधा रानी का आशीर्वाद लेना हो, श्रीमद् भगवत की ये रसमय कथा सुननी हो, तो सभी से निवेदन सांदीपन शिक्षण संस्थान के माध्यम से आदरणीय श्री गुरुजी के श्री मुख से इस कथा का आनंद लें। और नंबर चैनल पर हमारे दे ही रखे हैं आप सभी को। और इस सांदीपन शिक्षण संस्थान के प्रबंधक बाबा श्री मगन भारती जी, जो अपनी पूरी सेवा और लगन से लगे रहते हैं, उनकी ओर से संस्थान को 2100 रुपए की सेवा दी गई है। आइए तालियों से उनका अभिनंदन करें, बाबा श्री मगन भारती जी महाराज। और चैनल के माध्यम से प्रेरित होकर श्री अनिरुद्ध एंड ऐश्वर्या, उन्होंने अपने पिता की शांति के लिए, पितृ शांति के लिए इस पक्ष में 1100 रुपए का अनुदान दिया है। आपके पितरों को शांति प्राप्त हो, ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि दे। और साथ ही श्रीमती सरोज माहेश्वरी जी, आपने 5000 रुपये विद्यालय के लिए प्रदान किए, उस विद्यालय के लिए जो छोटे छोटे बालकों के आंसुओं को पहुंचने का कार्य कर रहा है, उनके जीवन में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश लाने का कार्य कर रहा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से निवेदन, सांदीपन शिक्षण संस्थान अपने माध्यम से विद्यार्थियों की शिक्षा का कार्य कर रहा है। इस शिक्षा के कार्य में अगर सहयोग करना चाहते हैं तो 1 माह के लिए केवल 1100 रुपये, 6 माह की सेवा 5500 रुपये और 1 वर्ष की 11000 रुपए देकर आप इस धर्म के कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। श्री सांदीपन शिक्षण संस्थान एवं श्याम प्रेम परिवार के माध्यम से भगवत कथा, शिव कथा, साथ ही राम कथा, जिस भी कथा का आनंद रसमय वाणी में आप लेना चाहें, श्री गुरुजी के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं और इस आनंद को उठा सकते हैं। देखिए, श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, एक संयोग रस जिसका आनंद आपने अभी महारास में लिया, और दूसरा वियोग रस। जो गोपियों ने उद्धव को ज्ञान की पोटरी बांधी, उद्धव गोपियों से कहता है कि ब्रह्म निर्गुण है, और गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं कि कहा बताओ हमें, कहा सिखाओ हमें, जोग निर्गुण यहां मत बताओ हमें, प्रेम में जाके हम बावरी है गई, नेक मन में दया अपने लायो नहीं, कह के परसों की बरसों गयो छोड़ के, पर निगोड़ो बहु श्याम आयो नहीं, कहा बताओ हमें। अरे अपनो निर्गुण रखो अपने पास में, ज्ञान की बात हमको बताओ नहीं, कृष्ण कैसे मिलेंगे हम बताओ हमें, व्यर्थ को पाठ हमको पढ़ाओ नहीं, उर में हूँ श्याम है दिल में हूँ श्याम है, नाम दूजो कोई मन को भायो नहीं, कह के परसों की बरसों गयो छोड़ के, पर निगोड़ो अभव श्याम आयो नहीं। आइए उसी श्रृंगार रस की धारा में पुनः गोते लगाएं, महाराज श्री से निवेदन करें श्रीमद् भगवत की कथा के लिए कि आइए हमें आशीर्वाद दें। जय जय श्री राधे। हरि बोल। एक बार सब प्रेम से कहिए श्री राधे। अब आइए चलें भगवान के उस मंगलमय लीला, उस उत्सव की ओर, जो कृष्ण के यौवन की कथा है। जरासंध ने कई बार आक्रमण किया, 23 अक्षौहिणी सेना के साथ में 17 बार आक्रमण किया और भगवान ने उन्हें भी परास्त कर दिया। 18वीं बार काली यवन को लेकर के आया भगवान प्रभु श्री कृष्ण। इस बार रण को छोड़ करके भाग खड़े हुए। विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के मध्य में एक नगरी का निर्माण कराया, जिसे हम द्वारिका नगरी के नाम से जानते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। कंजूसी मत करिए, सब लोग कहिए आहा श्री राधे। द्वारिका में सोते हुए ब्रजवासियों को पहुंचा दिया और स्वयं मुचकुंद के द्वारा कालीवन का वध भगवान ने करवाया और द्वारिका में पहुंच के द्वारिकाधीश बने।
बड़े भाई बलराम का विवाह रेवत नाम के राजा की कन्या रेवती के साथ संपन्न हुआ। कन्हैया करें भैया, बड़े भैया को ब्याह तो है गए, अब हमारा होना चाहिए, लेकिन क्या करें, श्रीमान जी के काम ऐसे खोटे खरे हैं कि भैया कोई लड़की वाला आता ही नहीं है, सब भाग जाते हैं। लड़की वाला आए तो पहले लड़के के गुण देखता है। लड़का क्या करता है साहब? बोले जी माखन की चोरी का काम करता है, गैया चराता है। अच्छा, और कोई काम नहीं? हाँ, फिर व्यवस्था कैसे चलती है घर की? बोले कभी कभी गोपियों का चीर भी चुरा लेता है। अब ऐसे ऐसे बालक के संग कौन ब्याह करे जिसके अंदर ऐसे गुण हो, सब भाग जाते हैं। लेकिन कृष्ण के नजदीक नजदीक तो वही जाता है जो केवल प्रेम देखता है, भाव देखता है, क्योंकि भावग्राही जनार्दन। और वो भाव मिला भीष्मक राजा के यहां एक कन्या के द्वारा, कि राजा से भीष्म को नाम विदर्वाधिपते महान तस्य पंचाभवन पुत्र कन्या च वरानना। भीष्मक राजा के पांच पुत्र और एक कन्या है, और इस कन्या का नाम है रुक्मिणी, जो कमल से प्रकट हुई है। कन्या प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था भीष्मक जी महाराज ने, और कहते हैं कि जब वो प्रवाहित करने गए सामग्री को, डुबकी लगाई थी जल में, देखा एक कमल का पुष्प बहता चला आ रहा है, और उसी कमल के पुष्प के ऊपर एक छोटी सी कन्या सो रही है। उसी को प्रसाद मान करके नारायण का स्वीकार कर लिया भीष्मक जी महाराज ने, और यही कन्या रुक्मिणी कहलाई। रुक्मिणी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते। राम अवतार में जानकी बन करके आई तो पृथ्वी से प्रकट हुई, कृष्णावतार में रुक्मिणी बन के आई तो कमल के पुष्प के ऊपर प्रकट हुई। प्रेम से कहिए श्रीनाधे। बड़ी हुई तो भाई रुक्मिणी ने विवाह पक्का कर दिया शिशुपाल के साथ, लेकिन ये तो प्रेम करती है कृष्ण के साथ। भाभी को जाके कहा, भाभी हम तो प्रेम करती हैं कृष्ण के साथ, अब बताइए आप शिशुपाल से कैसे विवाह करें हम? कहा, देवी क्या तुमसे भी कृष्ण प्रेम करते हैं कृष्ण? ये तो मुझे पता नहीं, तो पता करो। कहा, देवी मैंने कभी कृष्ण को देखा नहीं है। तो भैया पहले पता लगना चाहिए कि वो द्वारकाधीश भी प्रेम करते हैं या नहीं। रुक्मिणी महारानी ने अपने भाव भरा पत्र एक लिखा है, चिट्ठी लिखी। पत्र में बड़ा प्रेम होता है महाराज, आजकल टेलीफोन का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, लोगों का प्रेम थोड़ा कम हो गया है, आपने महसूस किया होगा। जब किसी से बात करनी हो ना तो एक मिनट में नंबर डायल करके बात कर लो, और पहले किसी से बात करनी होती थी ना तो बड़ी तड़फ होती थी, पहले उसे चिट्ठी लिखें, फिर दो पाँच सात दिन का इंतजार करें, जब उसके पास चिट्ठी पहुंचेगी फिर वो जवाब लिखेगा, तब जाके पाँच सात दिन बाद उसका जवाब आएगा, फिर उस चिट्ठी को पढ़ने का जो रस, जो आनंद प्राप्त होता था, जो प्रसन्नता होती थी, वो आनंद आपको डायरेक्ट बात करके नहीं आ सकता। प्रेम भरी पाती महारानी रुक्मिणी ने लिखी, और सुदेव नाम के ब्राह्मण के हाथ में देके द्वारिका भेज दिया। ब्राह्मण देवता ने कृष्ण से कहा, हे नाथ, ये हमारी राजकुमारी रुक्मिणी ने पत्र भेजा है, आप स्वीकार करिए। कृष्ण ने पत्र स्वीकार किया, ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता क्या लिखा है इसमें? बोले, महाराज मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा। तो कहा, पढ़ के सुनाइए। ब्राह्मण देवता ने चिट्ठी हाथ में ले ली, पत्र ले लिया, और पत्र हाथ में लेके पढ़ने सुना, पढ़ करके सुना रहे।
पत्र बड़ा सुंदर है, कितना सुंदर भाव रहा होगा रुक्मणी महारानी का। आइए श्रवण करें हम सभी, एक बार भाव से कहिए श्री राधे श्री राधे। रुक्मणी महारानी लिख रही हैं, कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वेश्य कर्ण विवरे हरतोऽङ्गतापै रूपम दृशा दृशिमता अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशतमानसराजहंस। हे मेरे मन मानस के राजहंस, संबोधन देखिए रुक्मणी महारानी का। हम किसी प्रेमी को पत्र लिखें तो क्या संबोधन लिखते हैं? रुक्मणी महारानी ने भगवान को संबोधन लिखा है, हे मेरे मन मानस के राजहंस। सबसे पहला शब्द, हम पत्र किसको लिख रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात है, और किस भाव से लिख रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। महाराज दो शब्दों में सब कुछ लिख दिया, हे मेरे मन मानस के राजहंस। भगवान को राजहंस कहा है, हंस क्यों कहा? हंस ही नहीं राजहंस, राजहंस मोती चुगता है, और हंस की विशेषता दूध और पानी मिलाकर के रख दो तो वो हंस मिले हुए दूध पानी में से दूध दूध पी जाएगा और पानी पानी छोड़ देगा। भगवान को हंस कह रही है महारानी रुक्मणी, मानो कहना चाहती हो नाथ मेरे अंदर गुण भी है अवगुण भी है सब मिला हुआ है, लेकिन देखो आप अवगुणों को मत देखना, अवगुणों को छोड़ देना, आपको जो मेरा भाव अच्छा लगे, आपको जो मेरे अंदर अच्छाई लगे नाथ आप उसको ही देखना, मेरे दुर्गुण रूपी जल को आप नीचे ही छोड़ देना। मेरे मन मन के हृदय के सरोवर में निवास करने वाले राजहंस, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरण बतांते, मैंने आपको देखा नहीं है, श्रुत्वा गुणान आपके गुणों को सुना है। क्या सुना है? कि भुवन सुंदर शरण बतांते, आप 14 भुवन 3 लोक में सबसे सुंदर हैं, और निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापै, आपके रूप नाम गुण की कथा जो भी अपने कर्ण पटों से श्रवण कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप एक क्षण में ही नष्ट हो जाया करते हैं। आपकी कथा सारे पापों को कलिकाल के दोषों को नष्ट करने वाली है, भक्तों के हृदय के दोषों को मिटा करके भक्ति भाव जगाने वाली है। कि रूपम दृशा दृश्यमता अखिलार्थलाभम, अरे जीवन का परम लाभ क्या है? जीवनम परमम लाभम उत्तम श्लोक दर्शनम, जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि कोई आपके सुंदर मुखार विंद के एक बार दर्शन कर ले। त्वय अच्युता विशतमानस राजहंस, हे मेरे मन मानस के राजहंस मेरे ऊपर कृपा करो, मैं जैसी भी हूं भली बुरी हूं जैसी भी हूं तेरी हूं, और नाथ मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया है, अगर आपके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी, और देखो आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगी कि आप आना मुझे लेने, लेकिन एक बात कहूंगी कि अगर आपके यदुवंश की भुजाओं में ताकत हो बल हो तो ही मेरे यहां आना, यहां भी बड़े बड़े बलशाली राजा आएंगे, अगर आपकी भुजाओं में बल हो तो आना वरना बिल्कुल मत आना। एक बात और कहूंगी कि किसी गीदड़
किसी सिंह के शिकार को अगर कोई गिदड़ लेकर के चला जाए तो ऐसे सिंह को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नाथ आओ ना आओ आपकी मर्जी है, पर मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं विवाह करूंगी तो आपके साथ, वरना प्राणों का त्याग कर दूंगी। पत्रिका पढ़ी, कृष्ण से पूछा, ब्राह्मण देवता ने, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? कहा, आज्ञा क्या है? ब्राह्मण देवता, आपने रास्ता तो देखा ही होगा, तुरंत बुला लिया सारथी को, रथ में सवार हुए, रथ में बैठ करके जो रथ में महाराज हांका, सीधा कुंडनपुर की ओर रथ का मुंह कर दिया, कुंडनपुर की ओर चले जा रहे हैं भगवान कृष्ण। ब्राह्मण देवता ने जाकर के रुक्मणी के कान में कहा, देवी बधाई हो, भगवान को अपने संगी लेकर के आया हूं, कहां मिलना है बताइए। रुक्मणी ने कहा, बोले मैं गौरी मैया का पूजन करने जाऊंगी और वो मंदिर के पीछे मुझे मिले, वहीं पर उनके दर्शन में करूंगी। और आज रुक्मणी महारानी भगवान श्री श्याम सुंदर को अपना पति बनाने की कामना लिए माँ भगवती गौरी के चरणों में उपस्थित हो रही हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। सखियों के साथ में भगवती रुक्मणी महारानी चल पड़ी। मन में प्रसन्नता है, हजारों पहरेदार लगे हैं, और सखियों के साथ में रुक्मणी महारानी ने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। भाव से कहो श्री राधे। श्रृंगार हो रहा है। मुझे चूड़ियां पहना दो, हम मुझे घूंघट लगा दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घूंघट बंधा दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे श्याम की, मैं तो रानी बनूंगी घनश्याम 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 की। मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, बना दो श्याम नाम के, मैं तो रानी बनूंगी घनश्याम की, मैं तो रानी बनूंगी घनश्याम की। अपने पिया की दुल्हन बन जाऊंगी, दुल्हन बन जाऊंगी मैं श्याम श्याम गाऊंगी, दुल्हन बन जाऊंगी मैं श्याम श्याम। मुझे कजरा लगा दो, मुझे कजरा लगा दो, मुझे गजरा सजा दो, मुझे गजरा सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो श्याम नाम के, मैं तो रानी बनूंगी घनश्याम के, मैं तो रानी बनूंगी घनश्याम।
रंग रंग में मेरे रंगा है सवरिया, रंग रंग में मेरे रंगा है सवरिया, प्रेम से मैं तो भैरे श्याम नाम की तब हल बनो घन श्याम की मैं तो हल बनो की घन श्याम की श्याम नाम के मैं तो हल बनोगे घन श्याम के प्यारे, मैं तो हल बनोगे घन श्याम के प्रतीक्षा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आप आए नहीं, ओ आप आए नहीं और खबर भी न ली, आप आए नहीं और खबर भी नहीं, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुधरे लो मेरी घन श्याम, सुधरे लो मेरी घन श्याम, सुधरे लो मेरी घन श्याम, घन श्याम, सुधरे लो मेरी घन श्याम, सुधरे लो मेरी भैया।
रुक्मिणी पूजा कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गज वजन शडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे माँ मेरे मन की मुराद, मन की इच्छा पूरी करो। मैया ने खुशी मान मूर्त मुस्कानी, मैया भगवती मुस्कुरा पड़ी, आशीर्वाद दे दिया। मन जाहि राचहि मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान। आहा देवी तेरे मन की मुराद पूरी हो जाए, मन की इच्छा पूरी हो जाए। सुधरे लो मेरी भजन, सुधरे लो मेरी भजन, सुधरे लो मेरी घनश्याम, सुधरे लो मेरी घनश्याम। इतनी दिल से इतने भाव से प्रार्थना करी रुक्मिणी ने। महाराज भगवान से रहा नहीं गया, पहरेदारों की परवाह नहीं करी, किसी और की परवाह नहीं करी, दौड़ते चले आए मेरे द्वारकाधीश, दौड़ते हुए आए हैं। ओहो रुक्मिणी रुक्मिणी की। सब लोग देखते रह गए, अरे ले गए ले गए ले गए ले गए, अरे भैया कोई पकड़ो पकड़ो। जो सैनिक थे ना वो बोले भैया रहने दो मत पकड़ो। क्यों? बोले दोनों की जोड़ी बजी जच रही है। हाँ वो काला कलूटा शिशुपाल, अरे भैया कहाँ शिशुपाल और कहाँ रुक्मिणी। अरे रुक्मिणी का विवाह तो द्वारकाधीश से ही होना चाहिए। हे प्रभु अगर हमने अपने जीवन में कोई पुण्य किए हो, देखिए लोगों का भाव कैसा है। प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ हे प्रभु अगर हमने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म करे हो तो वह सब के फल स्वरूप एक ही वरदान दे दो कि रुक्मिणी का विवाह हमारे द्वारकाधीश के साथ में संपन्न हो जाए, द्वारकाधीश के साथ संपन्न हो जाए। मार्ग में रुक्मिणी का महाराज भाई आया, रुक्मिणी के साथ भगवान का युद्ध हुआ, मान भंग किया और द्वारका में बड़ी विधि विधान के साथ में रुक्मिणी मंगल आज होने जा रहा है। एक बार भाव से कहिए श्रीनाधे, फिर कहिए श्रीनाधे। अब वो मंगल समय आया जब रुक्मिणी महारानी के साथ वे सखियां मंगल गान करते हुए, बड़ा सुंदर समय, धीमी धीमी बारिश हो रही है। ओ बरसन लागे हाय बरसन लागे सबन बुनियारा, श्याम बिना नहीं लागे जिया, हाय बरसन लागे।
जिया तोर बिन लागे ना मोरा जिया हे बरसन लागे सबन बुंदिया राजा तोर बिन लागे ना धरण सोहे प्यारी बंसी अधरन सोहे प्यारी ऐसी बनी है जोड़ी सुंदर और बिन लागे ना मोरा जिया अहे बरसन लागे दिया राजा और बिन लागे ना मंगलमय समय आज उपस्थित हो गया। सबके दिल की धड़कन रुकी हुई है क्योंकि अब रुक्मिणी कृष्ण की होने जा रही हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरि विवाह हो चुका है श्री राधे, लेकिन कन्या तब तक वर पक्ष की नहीं होती जब तक कन्यादान नहीं होता। तो कन्यादान के लिए प्रथम कन्यादान आकर शहडोल से श्री पंडित संत श्री द्वारिका प्रसाद द्विवेदी जी आप आए, आपसे निवेदन कि प्रथम कन्यादान करें और कन्या का दान का महादान का लाभ उठाएं। और साथ ही सुरेश चंद्र गुप्ता हमीरपुर से आप भी मंच पर आ जाएं और इसके बाद बाकी लोग कन्यादान कर सकते हैं। प्रथम गुरु जी पंडित श्री द्वारिका प्रसाद द्विवेदी जी, जय जय श्री राधे। और हमारे आदरणीय पूज्य महाराज जी से निवेदन के वो आएं और सर्वप्रथम कन्यादान करें, उसके बाद ये कन्यादान प्रारंभ हो। आदरणीय गुरु जी श्री रसराज मृदुल जी महाराज की।
आहा, बड़े सौभाग्य का अवसर है कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के साक्षी वृंदावन की इस श्रीधाम परित भूमि पे आप श्लोक बन रहे हैं। बड़े आनंद की अनुभूति है। बोले जय श्री राधे, राधे राधे, जोर से राधे राधे। मैं निवेदन करूंगा गुरुजी की आदरणीय हमारी गुरु माँ से, हमारे गुरुजी की धर्मपत्नी जी से, वो भी आए गुरुजी के साथ साथ में कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान का सुफल तो जोड़े से ही मिलता है। दोनों आए और कन्यादान कर रहे हैं। जय जय श्री राम। देशिदाम ऋषति निंदित सारदेन्दो यत्रैकतो विलषितांग मषितांग शोभां वृंदावने पिकृतया मुनिगांग शांगं राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए रुक्मणी नमन भगवान की। देखिए जयकारे में बिल्कुल भी जान नहीं है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे आज सबने खाना नहीं खाया है। एक बार भाव से सब लोग कहिए, बोले रुक्मणी नमन भगवान की जय हो। तो आइए, महारानी पधारी हैं, विवाह के मंगलमय उत्सव में हम सभी सम्मिलित हो जाएं, उसके बाद हम
थोड़ा सा ब्रज की लीला होली का भी थोड़ा सा आनंद लेंगे। सारी बारात सज धज के आ गई है, जरा जो बराती हो वो जरा हाथ खड़े करके बता दे मुझे, बराती कौन कौन है बराती? आहा, जो कन्हैया की ओर हो वो हाथ खड़ा करें। बराती हैं तो भैया देखो बरातियों को थोड़ा नाचना भी पड़ता है ना, तो कैसे बिना बिना नाचे बरात कैसी? हाँ कैसे सज धज के, कैसे सज धज के, कैसे सज धज के आई है बरात दूल्हा बन गिरधारी, कैसे सज धज के आई है बरात दूल्हा बन गिरधारी, कैसे सज धज के आई है बरात दूल्हा बन गिरधारी, दूल्हा बन गिरधारी, दूल्हा बन गिरधारी, दूल्हा बन गिरधारी, दूल्हा बन बनवारी, दूल्हा बन बनवारी, कैसे सज धज के, कैसे सज धज के, कैसे सज धज के आई है बरा दूल्हा बन गिरधारी, कैसे सज धज के आई है कैसे सियाए, कैसे के मनिया, होया के मनिया, या के मनिया नजदिया पार दूल्हा बन गिरधारी, दूल्हा बन गिरधारी, दूल्हा बन गिरधारी, कैसे सज धज के आई है बरात दूल्हा बन गिरधारी, दूल्हा बन गिरधारी,
थोड़ी सी होली की भी झलक, होली का भी आनंद लेंगे। आइए ब्रज की होली में समवेत हो जाइए। और कहते हैं कि दुनिया में होरी होती है तो ब्रज में हो रहा होता है। कि आसमान केसु भयो, धरती सब पुखराज, मन सारो चंदन भयो, तन सारो ऋतुराज, रंग रंग राधा भयो, काना भयो गुलाल, वृंदावन होली भयो, सखियन रचियो धमाल। ओ होली राधे श्याम की और न होरी कोई, जो मन राचे श्याम रंग, रंग चढ़े ना कोई। बोलिए होरी के रसिया की। हो मैं तो वृंदावन को जाऊं, मेरे श्यामा खेले होरी, हाँ मेरे श्यामा खेले होरी, मेरो कनुआ खेले होरी, हमें तो ओ, मैं तो ओ, मैं तो वृंदावन को जाऊं, मेरे श्यामा खेले होरी, सब गली रंगीली,
छाई रही छवि छटा छवीली ढोल खुजन ढोल मृदंग बजाए बंसी के घन गो हाथ के घन बरसाने आए हैं सब सखियां आई चुरमल के सब सखियां आई चुरमल के सब सखियां आई चुरमल के सब सखियां आई उमर खटा उमर में छाई हुजन वीर जिन वीर दुलारे उड़ाए हंस के घर को सोर प्यारो बसिया माखन को सोर हाँ के आयो आयो हो आयो नंद जामते सोर केलन अकबर नंद के सोर आयो अकबर नंद के सोर शाम के रंग में कनक के रंग में शाम के रंग में कनक के रंग में आज रंगाओ आज रंगाओ अपने चुनर सारी रात मोह नाचन दे अपनी चुनर सारी रात मोह नाचन दे अपनी चुनर सारी रात मोह Ha!
श्याम के रंग में। बताइए कौन कौन रंगेगा, हाथ खड़े कर दीजिए। कौन कौन रंगना चाहता है श्याम के रंग में? इधर से ये नहीं रंगना चाहते क्या? हाथ खड़े करिए। सबको रंगना है तो ऐसे नहीं रंगे जाएंगे, थोड़ा उसके लिए नाचना पड़ेगा, झूमना पड़ेगा, मस्ती के रंग में रंगना पड़ेगा। तो कैसे? शाम के रंग में आजी रंगाओ, आजी रंगाओ अपनी चुनर सारी रात मोहे नाचन दे, अपनी चुनर सारी रात मोहे नाचन दे। आए मोरे घर श्याम संवरिया, आए मोरे घर श्याम संवरिया, आए मोरे घर श्याम संवरिया, आए मोरे घर श्याम संवरिया। चन न दूंगी, चन न दूंगी, दिल में रखूंगी, दिल में रखूंगी, नाचूंगी सारे रात नाचन दे, रात मोरे नाचन दे, नाचन दे मोहे 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 नाचन दे। शाम के रंग में, गाना के रंग में आज रंगाओ, आज रंगाओ अपनी चुनर सारी नाच मोहे, मचाई तूने होरी हो लाला गई तो से तंग, ऐसो मचो होरी को हो रंगा हो या मैं खोई गयो बाजू बंद, मेरा खोई गयो, मेरा खोई गयो, खोए गयो बाज बंद रसिया होरी में, मेरा खोई गयो बाज बंद रसिया होरी में, हो होरी में, होरी में रसिया होरी में, होरी में, होरी में रसिया होरी में, अरे होरी में, होरी में रसिया होरी में, होरी में, होरी में रसिया होरी में, मेरा खोई गयो, मेरा खोई गयो, खोई गयो आज बंद रसिया।